नमस्कार दोस्तों, आईपीएल 2020 में इन तीन खिलाड़ियों को मुंबई इंडियंस और आरसीबी में हो सकती है टक्कर खरीदने के लिए। दोस्तों वो जानकारी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से प्लेयर है, लेकिन आप आईपीएल 2020 को पसंद करते हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब दोस्तों बात करते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल के अगले सीजन के लिए नीलामी की तारीख अब नज़दीक आ रही है। 2020 के लिए 19 दिसंबर को कोलकाता में होने वाली नीलामी के लिए सभी फ्रेंचाइजी खिलाड़ियों पर बोली लगाने के लिए अपनी अपनी रणनीतियाँ तैयार कर रही है। आईपीएल की दो सबसे लोकप्रिय टीम मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम हर ऑक्शन में बड़े खिलाड़ियों पर बोली लगाती है। ऑक्शन में खिलाड़ियों को लेकर फ्रेंचाइजी में जबरदस्त होड़ दिखती है। मुंबई इंडियंस और आरसीबी की टीम को देखें तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो दोनों ही टीमों के समीकरण में फिट बैठ रहे हैं। आइए जानते हैं कि उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको 19 दिसंबर को होने वाले ऑक्शन में मुंबई इंडियंस और आरसीबी के बीच में जबरदस्त प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। दोस्तों पहले खिलाड़ी है क्रिस लिन, ऑस्ट्रेलियाई सलामी बल्लेबाज क्रिस लिन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने सभी चौंकाते हुए रिलीज कर दिया था। लेकिन क्रिस लिन जैसे शानदार बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज के रिलीज होने के बाद सभी की निगाहें उन पर जमी हैं। हाल ही में उन्होंने T20 में जबरदस्त बल्लेबाजी की थी। मुंबई इंडियंस और आरसीबी को एक विस्फोटक सलामी बल्लेबाज की ज़रूरत है। ऐसे में दोनों ही टीमों के लिए क्रिस लिन से बेहतर कोई और विकल्प नहीं हो सकता। मुंबई ने एवियन लुइस को रिलीज किया है, वहीं आरसीबी ने भी कई विदेशी खिलाड़ियों को टीम से बाहर का रास्ता दिखाया है। दूसरे खिलाड़ी है रॉबिन उथप्पा। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपने प्रमुख बल्लेबाज रॉबिन उथप्पा को रिलीज विंडो के तहत बाहर का रास्ता दिखा दिया था। उथप्पा ने कोलकाता के लिए आईपीएल में कई शानदार पारियां खेली है, लेकिन पिछले साल उनका प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा था। इसकी वजह से केकेआर ने उन्हें रिलीज कर दिया। उथप्पा आईपीएल के अनुभवी खिलाड़ी है और फिलहाल मुंबई इंडियंस के पास मध्यक्रम में कोई अनुभवी बल्लेबाज नहीं है। वहीं आरसीबी के पास भी विराट कोहली के अलावा कोई बड़ा भारतीय खिलाड़ी नहीं है। ऐसे में दोनों ही टीमें उथप्पा के लिए बोली लगाएंगी। तीसरे खिलाड़ी है इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन का हालिया फॉर्म देखते हुए उन्हें दोनों ही फ्रेंचाइजी अपनी टीम में शामिल करना चाहेगी। मॉर्गन ने अबूधाबी T10 लीग में शानदार प्रदर्शन किया था। आरसीबी को अपने मध्यक्रम में एक अनुभवी और आक्रामक बल्लेबाज की ज़रूरत है। वहीं मुंबई के पास मध्यक्रम में कोई बड़ा विदेशी नाम नहीं है। ऐसे में दोनों ही टीमें मॉर्गन को खुद के साथ जोड़ना चाहेगी। तो दोस्तों ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि मैं ऐसी आईपीएल की खबरें लेकर आता रहूँगा।